हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल की। इलेक्ट्रोस्टैट की कई सारी वीडियोस मैंने पहले भी आपको दे रखी है, बट स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि फ्लक्स पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल के लिए और फ्लक्स टॉपिक के लिए केवल। तो ये वीडियो में छोटी सी क्लिप में हम लोग बात करेंगे फ्लक्स की और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फ्लक्स, राइट। सो सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं फ्लक्स का मतलब क्या होता है। देखो, नॉर्मली फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। कैसा फ्लो? कुछ का भी फ्लो। अगर किसी सपोज करो आपने टैप खोला, टैप मतलब समझते हो ना, नल, आपका जो नल होता है घरों में, तो उसमें से क्या फ्लो होता है? वाटर फ्लो होता है। तो उसमें दो चीज होती है, एक तो टैप का ये एरिया और दूसरा जहां से टैप कनेक्टेड है जिस कंटेनर से या जिस टंकी से, उस टंकी के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर। क्योंकि अगर टंकी में पानी होगी तभी इस टैप से पानी फ्लो करेगा, और दूसरा इसका एरिया इतना होना चाहिए ताकि पानी बाहर आ सके। मींस जो वाटर का फ्लो है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और दूसरा अमाउंट ऑफ वाटर पे। सिमिलरली अगर हम एयर फ्लक्स की बात करते हैं, तो जैसे सपोज करो विंडो हमने खोला, तो विंडो से क्या आती है? एयर आती है। तो विंडो में भी क्या होता है? एरिया होता है और उधर एयर का अमाउंट होता है। तो अमाउंट ऑफ एयर और एरिया इससे डिपेंड करता है एयर फ्लक्स। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कोई भी रैंडम एरिया है, क्योंकि यू नो वेरी वेल दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उस पर मैंने वीडियो भी बना रखी है कि एरिया स्केलर है कि वेक्टर है। आप उस वीडियो को देखें ताकि आप क्लियरली जस्टिफाई कर पाए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया और ये एरिया हमने प्लेस किया है कहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रखते हैं, तो जैसे अभी मैंने आपको पानी वाला एग्जाम्पल बताया कि टैप से पानी बाहर आएगा, विंडो वाला एग्जाम्पल बताया कि विंडो से एयर फ्लो होगा, उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रखेंगे तो क्या फ्लो होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे पास करेगी। कैसे पास करेगी? नॉर्मली पास करेगी और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक बार में पास करती है, दैट नंबर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक बार आप चाहो तो नोटबुक लेके लिख भी सकते हो डेफिनेशन इसका, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मली, नॉर्मली का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, ये फाई, ऐसे ये फाई सिंबल है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है। जो फाई यानी फ्लक्स होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ईडीएस, ई डॉट डीएस। डीएस का मतलब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो भी आप एरिया लोगे उसे आप पूरा एरिया एस है तो उस पर स्मॉल अमाउंट आप डीएस कंसीडर कर सकते हो, या फिर नॉर्मली आप इसको फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई डाउट नहीं है, ईडीएस और ई इंटू ए। अब चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को अगर आप फॉर्मुलाइज करोगे, फॉर्मूले पे खोलोगे, तो आप इसको ईडीएस कॉस थीटा भी लिख सकते हो। और लिखना भी जरूरी है क्योंकि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ऐसे ही पास कर रही है तो जरूरी नहीं है ना। अगर आपके पास कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास कर रही है, तो यहां पे एंगल बन गया थीटा। तो उस कंडीशन में जब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली नहीं पास करके कुछ एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूस एंगल किसी खास एंगल पे पास करे, तो उस कंडीशन में हम लोग ईडीएस कॉस थीटा यूज करते हैं। तो फिलहाल आपको समझ में आ चुका है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द यूनिट ऑफ एरिया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मली और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। स्केलर क्वांटिटी फाई से डिनोट करते हैं, और ई डॉट डीएस हो या ई डी एस कॉस थीटा हो, ये दो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, राइट। बट इतनी जो फ्लक्स के बारे में जानकारी है वो सफिशियंट नहीं है, क्योंकि कई बार सरफेस ओपन भी होता है और कई बार सरफेस क्लोज भी होता है। आप सबको मैंने पहले ही बताया कि एरिया जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। टू डायमेंशनल एरिया, थ्री डायमेंशनल एरिया, दो तरह की एरिया हम लोग पढ़ते हैं, 2D और 3D। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि डिपेंड करता है
टू डायमेंशनल जितने एरियाज हैं, जैसे सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब ओपन सरफेस माने जाते हैं, और थ्री डायमेंशनल जितने शेप्स हैं, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, स्फीयर है, उसको हम लोग क्लोज्ड सरफेस मानते हैं। तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, वहां पे आपको जानना पड़ेगा गॉस लॉ। गॉस लॉ के लिए अलग से हम वीडियो जरूर बनाएंगे, बट यहां पे हम गॉस लॉ से केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले को ऑब्टेन करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले को जानने की कोशिश करेंगे भाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो द बेस्ट है, उसके बारे में उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। अदरवाइज गॉस लॉ ये कहता है कि इट इज एप्लीकेबल ऑन क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस पे ही अप्लाई होगा, ओपन सरफेस पे अप्लाई नहीं होगा, सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी क्लोज सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो हमें यह देखना होगा कि उस क्लोज सरफेस के अंदर क्या चार्ज है। सपोज करो हमने यहां पे क्लोज सरफेस लिया है S और उसके अंदर एक चार्ज है Q, तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलन नॉट टाइम्स, एप्सिलन नॉट आप जानते हो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है, 1 बाई एप्सिलन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट क्लोज सर्फेस। ये बात ध्यान से रखना याद, क्योंकि जितना चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर होगा उसी को हम काउंट करेंगे। इस सरफेस के बाहर अगर मैं 5q लिख दूं तो टोटल चार्ज यहां मैं 6q नहीं लूंगा, केवल q लूंगा, क्योंकि आप देख पा रहे हो इस क्लोज सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है q, तो वही चार्ज काउंट में आएगी, वही चार्ज इंक्लूड होगी। सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स और द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स इज phi is equals to 1 by epsilon naught times the charge enclosed in that surface. अब इस surface के अंदर कितना charge है? Q. Therefore, flux का दूसरा जो formula मिल गया, वो आपको मिला Q by epsilon naught, where Q is charge enclosed in that surface, right? Okay, तो आपको अभी flux का दो formula मिला, एक तो phi equals to Q by epsilon naught, phi equals to Q by epsilon naught, ये हो गया Gauss law से, और दूसरा phi equals to EDS और EDS cos theta. तो इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि आपके पास कोई इस तरह का चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर 2q 2 कूलम माइनस 5 कूलम और प्लस 7 कूलम चार्ज है, और इसके बाहर हमने 10 कूलम चार्ज ले रखा है, राइट? वी हैव अ सरफेस S, उस सरफेस S के अंदर 2 कूलम 7 कूलम और माइनस 5 कूलम चार्ज है, और उस सरफेस के बाहर 10 कूलम चार्ज है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ द फिगर। इस गिवन फिगर का हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो अभी अभी मैंने आपको गॉस लॉ से समझाया कि जो हमारे पास क्लोज सरफेस होता है उसके अंदर जितना चार्ज होता है हम उसी को इंक्लूड करते हैं, उस क्लोज सरफेस के बाहर में जो चार्ज होता है हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। वी यूज टू कैलकुलेट द चार्ज ओनली इंक्लोज इन द क्लोज सरफेस। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं इस फिगर में क्लोज सरफेस के बाहर 10 कूलम है, इस 10 कूलम से हमें कोई लेना देना तो है नहीं, इसके अंदर कितना है क्यू नेट, नेट चार्ज कितना हो जाएगा 2 + 7, क्योंकि एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होती है नॉर्मल अलजेब्रिक सम, -5 9 -5 दैट इज 4 कूलम, ये आपका चार्ज कितना आ गया 4 कूलम। आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्लोज सरफेस के लिए अभी क्या बताया था, phi equals to q by epsilon naught, q के जगह आपने क्या रखना है 4 कूलम अपॉन में epsilon naught, और तो आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि epsilon naught की वैल्यू आप चाहो तो पुट कर सकते हो 8.85 × 10⁻¹2, अदरवाइज आप इतना पे इसको छोड़ सकते हो। तो ये हो गई टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने का किसी क्लोज सरफेस का। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास एक स्फीयर है S1, इसके अंदर चार्ज है 2 कूलम -3 कूलम, और इसके बाहर एक चार्ज है Q, और इसके बाहर एक और स्फीयर है S2, और ये क्वेश्चन में गिवन है कि द फ्लक्स ऑफ सरफेस S2 इज ट्वाइस, द फ्लक्स ऑफ सरफेस S2 इज ट्वाइस द फ्लक्स
ऑफ सरफेस एस वन, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू। ये आपका क्वेश्चन है। द फ्लक्स ऑफ सरफेस एस टू, ये जो बाहर वाला सरफेस है इसका फ्लक्स अंदर वाले सरफेस के फ्लक्स का डबल है। द फ्लक्स ऑफ सरफेस एस टू इज ट्वाइस द फ्लक्स ऑफ सरफेस एस वन। हमें ये जो Q है इस Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग इसके सॉल्यूशन में, इसके आंसर में हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्स फाइंड करेंगे किसका, S1 सरफेस का। तो फ्लक्स का फॉर्मूला Q बाई एप्सिलॉन नॉट सीखा था आपने, और EDS cos थीटा भी सीखा है, बट यहां पे EDS cos थीटा हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्लोज सरफेस की बात है। तो Q की वैल्यू कितनी होनी है S1 के लिए, S1 के लिए Q की वैल्यू होनी है 2 माइनस 3, क्योंकि एल्जेब्रिक सम करेंगे तो 2 और माइनस 3 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आएगी माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी माइनस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट आ गई, राइट। अ फ्लक्स ऑफ सरफेस S2, तो S2 की जब बात करेंगे तो S2 के लिए तो ये भी S1 वाला भी उसके अंदर ही है और ये Q भी उसके अंदर है, तो टोटल जो चार्ज होगा वो ये वाला भी होगा प्लस ये वाला भी होगा, क्योंकि S2 सरफेस के लिए सारे चार्जेस उसके अंदर ही हैं। और मैंने पहले ही बता दिया था कि जो किसी भी सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज होता है फ्लक्स कैलकुलेट करते टाइम हम सबको इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस 3 प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज माइनस 1 प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फ्लक्स आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है कि द फ्लक्स ऑफ सरफेस 2 इज ट्वाइस द फ्लक्स ऑफ सरफेस 1, तो फ्लक्स 2 के जगह पे आप रख सकते हो माइनस 1 प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 2, एंड फ्लक्स 1 के जगह पे आप क्या रख सकते हो, फ्लक्स 1 के जगह पे आप प्लेस कर सकते हो इसकी वैल्यू माइनस 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये आ गया माइनस 1 प्लस क्यू और इधर आ गया माइनस 2, इधर का माइनस 1 उधर आ गया प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 कूलम, ये जो है हमारी चार्ज आ गई। तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ है और इस तरह के कई सारे क्वेश्चन है फ्लक्स पे बेस्ड, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको फ्लक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय किसी भी तरह की डाउट होती है तो आप उसको पूछ सकते हो। थैंक यू।